Shri Ram friends. Jai Shri Ram. तो प्रभु जी आज व्यूअर्स को कौन सी कथा सुना रहे हैं आप? मैं प्रभु के जन्म के विषय में बताना चाहता हूँ. कहते हैं कि जब प्रभु के अवतार लेने का समय आया और कौशल्य के घर में आए, सब जगह आनंद फैल गया. तो पूछा गया क्यों, प्रभु तो सर्वव्यापी है, तो तब आनंद क्यों नहीं हुआ? कहते अग्नि सर्वत्र है, लेकिन जहाँ जहाँ उसका मंथन किया, लकड़ी का मंथन किया जाता, उधर ही तो प्रकट होती है. सर्वत्र अग्नि होने के बावजूद हमें कोई लाभ नहीं होता. इसे जब तक वो प्रकट नहीं होगी, ना हम रोटी बनाएंगे ना पानी गर्म कर सकते. उसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन लाभ तब है जब वो रूप लेके प्रकट होते हैं. जब वो रूप लेके प्रकट होने लगे गर्भ में आए, तो उसका प्रभाव फैलना शुरू हो गया, सुख का शांति आनी शुरू हो गई लोगों के जीवन में. फिर उसके बाद कहते हैं जब प्रभु के प्रकट होने का अवतार लेने का समय था. देखो हम लोग पैदा होते हैं, इसका हमारा जन्मदिन होता है, ईश्वर का प्राकट्य दिवस होता है. ही इज नॉट बॉर्न, ही अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स. अब इसलिए भगवान का और संतों का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होता है, जन्मदिन हमारा होता है. इसे कहते भाई प्रकट कृपाला, प्रकट हो जाए. दे डोंट से बर्थडे, ये आउट ऑफ इग्नोरेंस पीपल बोलते हैं दैट इज सेपरेट थिंग, बट इट इज अपीयरेंस डे. जी जी. सो जब प्रभु के अपीयरेंस दिया या प्रकट का समय आया, तो क्या लेते हैं, योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो जाते हैं. यानी जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कंपनी में मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, क्लरिकल और बहुत से लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, कोई हो सकता है कभी टाइम से आए नहीं आए, जितनी सफाई रखे ना रखे, लेकिन उसे पता चल जी कंपनी का मालिक आ रहा है स्वयं, तो अपने डायरेक्टर से लेके प्यून तक सब बराबर सेट करते, सफाई करते, सबको ठीक ठाक रखते हैं. उसी प्रकार जब ईश्वर जीवन में हमारे आते हैं, तो कहते हैं योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो जाते हैं. तो हम कोई लोग कहते ग्रह खराब है, ये तिथि खराब है, तो कहते प्रभु को बुला लो यार, प्रभु को बुला के आएंगे तो वापिस सारे सब ठीक हो जाएंगे. आपको कोई ग्रह करने की पूजा नहीं, हरि की उपासना करो, हरि का अनुग्रह मिला तो सारे ग्रह ठीक हो जाने. उसका अनुग्रह क्यों नहीं लेना चाहते हो? उसका अनुग्रह कब मिलेगा? जब उसकी दृष्टि पड़ेगी. दृष्टि कब पड़ेगी? जब सरेंडर होगा, उसके गुणगान गाओगे, उसके नाम को लोगे. भाई आपका भी ध्यान मेरे पति, जब मैं आपको नाम से बुलाऊंगा तो उसका भी ध्यान आएगा जब उसके नाम से लिया जाएगा. जी, यानी कि लोग बड़े टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई तो पंडित जी से पूजा करवा ली, शनि ग्रह ठीक हो जाए, वो वाला ग्रह ठीक हो जाए. लेकिन सही तरीका ये है, परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि अगर जो पूरी सृष्टि के मालिक है, अगर उनकी उपासना करके उन्हीं को खुश कर दिया जाए, तो उनके अनुग्रह से सारे सिचुएशंस. और लिखा भी, इवन कृष्ण अवतार में ले लो, इवन राम अवतार, दोनों में ये लिखा कि सबको ठीक हो जाता है सिर्फ प्रभु के आने मात्र से. तो प्रभु को क्यों नहीं जीवन में ला के सब ठीक कर लेते हो? एक एक चीज को आप, एक एक डाली को पानी दे रहे हो, रूट को पानी दे रहे हो, ये हम गलती करें. जी. फिर हमारे प्रभु कब आते हैं? चैत्र मास नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और दोपहर के समय. चैत्र मास से प्रभु क्यों आए, आगे पीछे क्यों नहीं आए? चैत्र मास होता है वसंत ऋतु का समय, मार्च अप्रैल जो होती है वसंत ऋतु, बड़ा सुहावना मौसम होता है. और श्रद्धा को ही वसंत ऋतु कहा गया. यानी जीवन में जब श्रद्धा आएगी तभी तो प्रभु आएंगे. पहले श्रद्धा की जोता, और श्रद्धा बारह में नहीं हो सकती है. नौमी तिथि क्यों आते हैं, बाकी दिन नहीं मिले क्या? कहते हैं नौमी को प्रभु इसलिए आते हैं, प्रभु कहते हैं ये सृष्टि जो है आठ गुणों से भरी हुई है, मैं आठों गुणों से भरे हूं, इससे मैं नौमी को आता हूं. आठों गुणों से परे हूं, इससे मैं नौमी को आता हूं. जिसके जे में नवधा भक्ति आती है, नौ प्रकार की भक्तियां आती है, उसी के जीवन में तो मैं आता हूं. और तीसरी नौमी तिथि को अध्यात्म को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया रिक्ता तिथि. रिक्ता का मतलब होता है जीरो, खालीपन. जब प्रभु के लिए हमें खालीपन महसूस होएगा तभी तो प्रभु आएंगे. हमें किसी उसकी कमी महसूस हो रही, खालीपन लग रहा, तो वो क्यों आएंगे? तो नाइन डेट को आते हैं बिकॉज वो नाइन एलिमेंट से ऊपर है, जैसे अर्थ वाटर फायर एयर माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो. ये आठ गुणों से परे हैं, इससे वो नौमी को आते हैं. नौमी को आते हैं, बिल्कुल ठीक. और दूसरा आपने कहा नवधा भक्ति. हाँ जी, यानी कि वो जो नाइन फॉर्म्स ऑफ डिवोशन होती है. यस, वो पता ही है, श्रवण कीर्तनम, श्रवणम
कीर्तनम भगवान के बारे में सुनना जी, कीर्तनम भगवान के बारे में बातें करना या उनका नाम जाप करना, यस, फिर उसके बाद स्मरण यानी उनको याद करना जैसे एक लवर अपने लवर को याद करता है, फिर उसके बाद पाद सेवनम जैसे उनकी चरण कमल की सेवा करना, जैसे हम घर में मंदिर बनाते हैं तो उनको भोग लगाएं, उनको फूल चढ़ाएं, फिर उसके बाद अर्चना होगी, पूजा पाठ करना, और उसके अलावा हो गया वंदना यानी कि उनके सामने झुकना ताकि हमारे अंदर का जो अहंकार है वो नष्ट हो सके, उसके अलावा दास्यम हमेशा अपने आप को एक सर्वेंट समझना। अभी क्या होता है शायद हम भगवान को अपना सर्वेंट समझ लेते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से काम करें। साक्ष्य मतलब उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना, और फिर आत्मनिवेदनम मतलब अपने आप को टोटल सरेंडर कर देना कि भगवान जो भी है आप ही हो, आप ही सब कुछ देख लेना। और तीसरा आपने कहा नाइन्थ डे पे आने का सिग्निफिकेंस है कि खाली पर, खाली ज्योतिष शास्त्र को दिखता है दिखता का मतलब जीरो, खाली पर तो महसूस के लिए जी, जब तक हम दुनियादारी के जीवन में ही अगर खुश होंगे हमें एक मिसिंग फीलिंग नहीं आएगी कि कुछ तो कमी है, और भगवान को याद ही नहीं करेंगे तो वो क्यों आएंगे हमारे जीवन में। आप मित्र को मिस करो तभी तो फोन करके बुलाते हो, आप उसको मिस करोगे तभी तो उसको नाम लोगे बुलाओगे, बगैर नाम के तो कोई आता ही नहीं है जी। जी आप नीचे से एक बंदा जा रहा है, आप उसको आवाज दोगे तभी उसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, ये तो रोज गुजरता है, और जब बुलाओगे तभी तो आपके पास आएगा, जब आप उसको पुकारोगे तो वो क्यों आएगा। फिर कहते हैं जी शुक्ल पक्ष पे आते हैं, शुक्ल पक्ष का अर्थ क्या होता है, हमें भौतिक शुक्ल पक्ष को लेना देना नहीं, जब हमारे जीवन की भक्ति बढ़ती है तो हम शुक्ल पक्ष पे वास करते हैं जी। दोपहर के समय क्यों है, जब जीव भक्ति के शिखर पे पहुंचता है तभी तो प्रभु आते हैं। बहुत बढ़िया प्रभु जी, आई थिंक बड़े अच्छे मीनिंग्स हैं इसके कि जब हम अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे साधना से, सत्संग से, सेवा से, सदाचार से, तो जब हम उसकी परफेक्शन पे पहुंच जाते हैं तो हमें भगवान की पूरी अनुभूति होती है, हमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम। और ये तो 12 महीने हो सकती है, 12 महीने राउंड में हो सकती है, वाई पर्टिकुलर डे 12 महीने चीज कर सकते हैं हम, तो 12 महीने राम अवतार हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से हम आपके लिए यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप 12 मंथ्स भगवान के साथ ना स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाइए, कि लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज फियर्स में हम जीते रहते हैं उसकी जगह अगर हम भगवान का नाम जाप करेंगे, रेगुलर डिवोशन में रहेंगे तो लाइफ की सारी नेगेटिविटीज भी भाग जाएंगी, और 12 महीने से 12 महीने ही राम नवमी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जय श्री राम।